सब्सक्राइब कीजिए MS एक्सपेरिमेंट चैनल को, साथ में दबाइए बेल आइकन को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MS एक्सपेरिमेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MCB के अंदर होता क्या है और ये MCB वर्क कैसे करती है। यहाँ पर मेरे पास तीन चार टाइप की MCB है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर तीन कलर के MCB है, ब्लैक, ग्रीन और रेड। साथ में मेरे पास यहाँ पर ब्लू का आइसोलेटर है 2 पॉइंट का DP स्विच के साथ। तो मैंने यहाँ पर दो MCB ओपन करके रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको दो MCB मैंने आपके लिए खोल के रखी हुई है, जिसमें से एक ग्रीन नॉब की है और एक ब्लैक नॉब की। दोनों के कंस्ट्रक्शन लगभग लगभग सेम हुए, अधिकतर MCB के कंस्ट्रक्शन आपको सेम मिलते हैं। बस आपको जो इसमें एक कॉइल लगी होती है उसकी साइज और जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी रहती है उसकी साइज आपको अलग अलग मिलती है बस। तो सबसे पहले हम इस MCB के अंदर देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। इस MCB में आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक हैंडल। इसमें आपको एक हैंडल मिलता है और इस हैंडल के आगे आपको एक क्लिप मिलती है। यही क्लिप हमारी जो हमारे कॉन्टेक्टर हैं इसको आगे पीछे करती है। उसके बाद यह कॉन्टेक्टर हमारा आगे एक मेटेलिक स्ट्रिप से जुड़ा होता है। फिर यह स्ट्रिप हमारी दूसरी एक स्ट्रिप से जुड़ी होती है, जिसमें से वायर हमारा आगे टर्मिनल पर कनेक्ट होता है। यहाँ से हमारी सप्लाई चलती है, पहले मेटेलिक स्ट्रिप में जाती है, स्ट्रिप से होती हुई हमारे कॉन्टेक्टर पे आती है, कॉन्टेक्टर से होते हुए फिर हमारे कॉइल में आती है, कॉइल से फिर हमारा दूसरे टर्मिनल पे आउट हो जाती है। साथ में आपको यहाँ पर एक हीट सिंक टाइप का मिलता है। यह हमारा जो आर्क या फिर आप स्पार्क बोलते हैं बोल सकते हैं, जब हमारा कॉन्टेक्टर टच या फिर ओपन होता है, मतलब ऑन या ऑफ होती है हमारी MCB, तो उस वक्त एक छोटा सा आर्क या फिर स्पार्क जनरेट होता है। तो उस आर्क और स्पार्क साथ में उसके साथ कुछ हल्की सी हीट भी जनरेट होती है। उस हीट आर्क को यह एब्जॉर्ब करने के लिए लगाया गया है, तो यह स्पार्क को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे हमारी बाकी MCB पे फर्क ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें अब हम कॉइल को देखते हैं। तो कॉइल में हमें कॉइल एक एल्युमिनियम के हल्के से सिलेंड्रिकल पार्ट पे लपेटी होती है और उसके अंदर हमें एक सोलेनॉइड मिलता है जो कि अंदर बाहर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं इधर से इसे प्रेस कर रहा हूँ तो दूसरे साइड एक हमारा पिन छोटा सा आउट हो रहा है। मतलब जब हमारी ये कॉइल में एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगती है तो ये जो हमारा बीच में एक रॉड है सोलेनॉइड, जो आई थिंक सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है, तो यह मैग्नेट पावरफुल मैग्नेट बनके इसे अंदर की तरफ खींचता है। तो जब ये अंदर की तरफ स्लिप करता है तो हमारा जो एक कॉन्टेक्टर स्विच है इसके ऊपर प्रेस डालता है और ये हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब हमारी MCB ट्रिप कर जाती है। और फिर हम जब इस हैंडल के थ्रू MCB ऑन करते हैं तो फिर से वापस ये कॉन्टेक्ट जुड़ जाता है और MCB हमारी ऑन हो जाती है। अब हम इसमें ट्राई कर लेते हैं, आपको इसमें अच्छे से दिखाई देगा। इसमें आपको दोनों MCB में एक अंतर दिखाई दिया होगा, दोनों की कॉइल्स का जो डायमीटर है वो अलग अलग है और दोनों के टर्न्स भी अलग अलग। तो आपको अलग अलग वैल्यू के MCB में, अलग अलग पावर के MCB में, अलग अलग साइज के आपको कॉइल्स और कॉन्टेक्टर देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर थोड़े से थोड़े कॉन्टेक्टर में आपको डिफरेंस मिल सकता है। इस MCB में आपको थोड़ा मोटा वायर मिला है, बाकी दोनों में कंडीशन सेम ही है। इसमें भी आपको एक छोटा सा रॉड मिलता है आगे पीछे करने वाला। अब आते हैं इसके कॉन्टेक्टर के टच पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ से हमारी सप्लाई शुरू होती है, इसमें भी हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है। इसके बाद से सप्लाई हमारे यहाँ कॉन्टेक्टर तक आती है, कॉन्टेक्टर से फिर यहाँ दूसरे पॉइंट पे हमारी टच होती है, इसके बाद से कॉइल से होते हुए सीधे दूसरे पॉइंट से आउट हो जाती है। अगर हम इस MCB को पॉइंट को इधर खींचे, इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है जो कि फंसा होता है, अभी यहाँ से निकल गया है। तो जब हम MCB को ऑन करते हैं, अभी ये MCB ऑफ कंडीशन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्टर दूर दूर हैं एक दूसरे से। अगर मैं इस MCB को ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों कॉन्टेक्टर आपस में टच हो गए, दोनों पॉइंट एक दूसरे से शॉर्ट हो गए। और ऐसी कंडीशन में जब ये दोनों पॉइंट आपस में टच होते हैं तभी स्पार्क जनरेट होता है, या फिर जब MCB ऑफ करते हैं मैनुअली तो ये दोनों जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तब स्पार्क होता है। तो इस स्पार्क को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर ये सिंक लगाया हुआ है, जो देखने में तो हीट सिंक जैसा है लेकिन एक्चुअल में स्पार्क अरेस्टर है, जो कि आपको अलग अलग मटेरियल का मिल जाएगा, चाहे अल्मीनियम हो, या अल्मीनियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, या एक्चुअल में सारे जो ये पीसेस हैं
ये एक दूसरे से ज्वाइंटेड नहीं है, ये सारे सेपरेट पतली पतली स्ट्रिप्स हैं जो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट की हुई हैं। इसके बाद से हम इसे चेक करते हैं कि एक शॉर्ट सर्किट पे कैसे ऑफ होता है। ये हमारी एमसीबी ऑन होती है तो उस कंडीशन में हमारी करंट यहाँ से कॉइल से होते हुए फ्लो हो रही होती है, लेकिन जब ओवरलोड होता है तो हमारी यहाँ पर इसमें से पिन निकल के इस पे प्रेस करती है, और जैसे ही इस पे प्रेस होता है हमारा तुरंत स्टार्ट से एमसीबी ऑफ हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफ हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, हमारी एमसीबी ऑफ है, इसे अगेन दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ये हमने की एमसीबी ऑन। इसके बाद से हमें यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट जहाँ पे हमारे कॉन्टेक्टर जाके टच सॉरी जहाँ पर हमारा इसके अंदर का सोलेनोइड या फिर जो भी इसके अंदर वायर्स या फिर जो भी इसके अंदर पिन लगी हुई है, जब इस पे हमारा प्रेस करती है तो ये कैसे ऑफ होता है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमने इसे प्रेस किया, कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। एमसीबी में स्प्रिंग लगे होने की वजह से एमसीबी वापस अपने पुराने जगह पे ऐसे चली जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।